वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ दो ऐसे साइंटिफिक तरीके जिससे कि आप अपने बच्चों की पेंसिल ग्रिप को एकदम परफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी की वजह से बच्चों की राइटिंग जो है वो स्लो हो जाती है और कई बार वो अच्छा नहीं लिख पाते हैं। तो इसी के कुछ बढ़िया से मजेदार से तरीके दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो फटाफट चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, जिससे कि मेरी सारी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुँच सके। प्लस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, जिसे रिक्वायर्ड हो उसके साथ शेयर कर देना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि इसके क्या है नए नए तरीके। तो देखिए समस्या ये आती है, आपसे मैं पूछती हूँ कि अगर आप इस पेन की होल्डिंग करते हैं तो ये जरा ये बताइए कि इस पेन को लिखते वक्त, मतलब बच्चों की हम पेंसिल की बात करें, मैं आपसे पेन की पूछ रही हूँ कि आप इस पेन से लिखेंगे तो किस तरीके से लिख पाएंगे, आपकी होल्डिंग ग्रिप कैसी होगी, या फिर आप इस पेन को अगर यूज करते हैं तो इस पेन से आप किस तरीके से लिख पाएंगे, आपकी इस पेन को यूज करते वक्त होल्डिंग ग्रिप कैसी होगी। और तीसरा जो मैं आपको पेन दिखा रही हूँ वो ये दिखा रही हूँ कि अगर इस पेन को आप यूज करते हैं तो इस पेन की होल्डिंग ग्रिप कैसी होगी आपकी। यानी मैंने आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं, तीन पेन दिए हैं, इन तीन पेनों में से आपकी ग्रिप सबसे बढ़िया किससे होगी जज करिए। मेरे हिसाब से तो इससे, थर्ड वन जो मैंने आपको शो किया, जी हाँ यही है हमारे बच्चों की समस्या, पेंसिल ग्रिप जो है उनकी अच्छी नहीं होती। रीजन बीइंग क्योंकि हम उन्हें इस तरीके की पेंसिल्स जो है वो दे देते हैं। ये पेंसिल हमने बच्चों को लिखने के लिए दे दी, एकदम स्लिपरी प्लेन पेंसिल है ये। यानी जब बच्चा इसे होल्ड करता है ना लिखने के लिए, पकड़ता है, तो ये उसके हाथों से क्या फिसलती है, उसकी ग्रिप प्रॉब्लम वही आती है, ग्रिपिंग की प्रॉब्लम। अगर ग्रिप बच्चे की अच्छी होगी तो बच्चा जो है वो लिख भी ठीक से पाएगा, और अगर उसकी ग्रिप ही नहीं है, छोटे बच्चे से बार बार पेंसिल फिसल रही है, तो इट मीन्स कि बच्चा ठीक से नहीं लिख पाएगा। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, मैं आपको सुझाव दूंगी कि बिना पैसे खर्च करे आप इस तरीके की जो पेंसिल्स हैं उनके ऊपर जो ये पेन के ग्रिपर्स होते हैं ना, इसीलिए लगाए जाते हैं, यही है इसका साइंटिफिक तरीका कि इसीलिए लगाए जाते हैं कि चीज़ जो है वो ग्रिप में रहे, बच्चा उसे अच्छे से लिख सके। तो जितना जो है इस ग्रिप अच्छी होगी उतना ही बच्चे की हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी होगी। तो आप इसको, पेन के ग्रिपर को निकाल कर आप इसे पेंसिल में यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की पेंसिल्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आप इन तीनों पेन में कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पर भी इसमें इसीलिए कट लगाए गए हैं कि थोड़ा सा जो सरफेस है वो रफ हो जाए और ग्रिपिंग जो है वो अच्छी बन जाए। इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए इसमें जिगजैग इसीलिए से बनाए हैं क्योंकि इन जिगजैग की वजह से जो सरफेस है वो थोड़ा सा रफ होगा, तो ग्रिपिंग और होल्डिंग जो होगी वो किसी के लिए भी राइटिंग में इजी हो जाएगी। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये रबड़ ग्रिपिंग। अगर आप ये रबड़ ग्रिपिंग बच्चे की पेंसिल पे लगा दें आगे होल्डिंग पोजिशन पे, तो भी बच्चा जो है वो अच्छे से लिख पाता है। दूसरा अगर तरीका आप अपनाना चाहें तो क्ले ले लें, क्ले को इस तरीके से आप पेंसिल पे लगा के जहाँ पे ये बच्चा लिखता है, और उसके बाद अपनी फिंगर से इस तरीके से इंप्रेशन छोड़कर वहाँ पर एक राइटिंग पोजीशन बच्चे के लिए तैयार कर दें कि वो ग्रिपिंग पोजीशन हो जाएगी बच्चे की, जिससे बच्चा आपने टाइप करके छोड़ दिया और फिर उसके बाद जो है बच्चा वहीं से उसे होल्ड करेगा इजीली और बच्चे के हाथ से स्लिप नहीं होगी, बच्चा इजीली लिख सकता है और फास्ट लिख सकता है उस चीज़ से बच्चा। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं आपको इसमें ये बताऊंगी कि आप बच्चे को कोशिश करें कि इस तरीके की स्लिपरी पेंसिल्स दें ना जिनका सरफेस जो है बिल्कुल प्लेन हो, क्योंकि जो ये सर्कल वाली शेप की जो पेंसिल्स होती हैं ये बच्चे की होल्डिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो आप बेटर ऑप्शन है कि इस तरीके की पेंसिल्स जिसमें कि शेप्स निकली हुई होती हैं, ये कोन्स होते हैं, आप इस तरीके की पेंसिल जो है बच्चे को दें। ट्राइंगल शेप की आती हैं या पेंटागन शेप की आती हैं, इस तरीके की शेप की जो पेंसिल्स होती हैं वो होल्डिंग में ईजी होती हैं। और सबसे ज़रूरी तरीका जो मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चे को आप इतनी लंबी लंबी पेंसिल्स जो हैं वो बिल्कुल काम करने के लिए ना दें, क्योंकि इनमें इतना वेट होता है, इतना वजन होता है इन पेंसिल में कि बच्चा लिखते वक्त इन्हें संभाल नहीं पाता। तो बच्चे के लिए जो स्टैंडर्ड साइज पेंसिल मैं आपको बताऊंगी वो ये होता है, छोटे बच्चे को आप इससे लंबी पेंसिल ना दें, क्योंकि उसके होल्डिंग के लिए इतनी ईजी होती है ये कि बच्चा जो है इसके वजन को आसानी से संभाल पाता है और ढंग से लिख पाता है। ज़रूरत से ज़्यादा छोटी पेंसिल भी ना दें, क्योंकि उस पर भी बच्चे की जो बैलेंसिंग है वो नहीं बन पाती। यानी नॉर्मल आप ये मान के चलिए कि आप एक पेंसिल को हाफ में डिवाइड कर दीजिए, टू हाफ हो जाएंगे ये, तो बच्चा जो है उसकी पेंसिल जो है उसके लिए स्टैंडर्ड साइज हो जाएगी और वो इजीली जो है वो लिख सकता है। कितनी भी वो जिद करे आपसे कि मैं नई पेंसिल से लिखूंगा, मेरी पेंसिल छोटी हो गई है, बट ये साइज की पेंसिल जो है आप बच्चे के पास रखिए, तभी उसकी राइटिंग जो है वो बढ़िया हो पाएगी, उसकी होल्डिंग, उसकी ग्रिपिंग जो है वो बढ़िया हो पाएगी। तो दोस्तों अगर वाकई में आपको मेरा सुझाव समझ में आए तो इसे अपने बच्चों के साथ अप्लाई करें, टीचर है तो अपने स्टूडेंट के साथ।